हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जिसमें कि हम वायरल डिजीजस जैसे कि पोलियो चिकनगुनिया, डेंगू फीवर कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स येलो फीवर एस स्वाइन फ्लू जेनिटल हर्ब्स जेनिटल वॉड्स एंड एड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सबसे फर्स्ट टर्म है हेल्थ हेल्थ हम उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें ना कि सिर्फ डिजीज़ की एब्सेंस होती है बल्कि फिज़िकल मेंटल और सोशल तौर पर कोई भी ऑर्गेनिज्म वेल वग होता है उस कंडीशंस को हम हेल्थी कंडीशंस या हेल्थी पर्सन उस ऑर्गेनिज्म को नहीं बोल सकते जिसमें कि सिर्फ़ डिजीज़ एब्सेंस है बट फ़िज़िकली और मेंटली वो ऑर्गेनिज़म फिट नहीं है तो उस कंडीशन में हम उस ऑर्गेनिज़म को हेल्थी ऑर्गेनिज़म या हेल्थी पर्सन नहीं बोल सकते नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डिज़ीज़ डिज़ीज़ एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इन्फेक्शन पॉइजनिंग और अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से बॉडी के ऑर्गन्स और बॉडी के सिस्टम की फंक्शनिंग इनकरेक्ट हो जाती है तो इस फिना को डिजीज़ बोला जाता है डिजीज़ को फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है फर्स्ट है कॉन्जेंशियल डिजीज़ सेकंड है एक्वायर डिजीज ह्यूमन डिजीज़ को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया फर्स्ट कॉन्जेंशियल सेकंड एक्वायर्ड कॉन्जेंशियल डिजीज़ में जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं और एक डिजीज में कॉम्युनिकेबल और नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज आ जाती हैं कॉम्यनिकेबल डिज़ीज़ इन्फेक्शियस होते हैं और नॉन कॉम्यनिकेबल डिज़ीज़ नॉन इन्फेक्शियस होते हैं कम्युनिकेबल डिज़ीज़ वो डिज़ीज़ होती हैं जो एक पर्सन से या एक ऑर्गेनिज़म से नेक्स्ट तक ट्रांसमिट हो जाती हैं इसमें फ़र्स्ट आएगा कॉन्टेजियस डिज़ीज़ जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलती है सेकेंड आएगी नॉन कॉन्टेजियस डिज़ीज़ जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से नहीं ट्रांसमिट होती बल्कि इसमें एजेंट्स होते हैं जिनके हेल्प से डिज़ीज़ आगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट होती है सेकंड है नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज़ जिनको नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ भी बोलते हैं ये डिज़ीज़ एक पर्सन से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक ट्रांसमिट नहीं होती इनमें आ जाएगा डेफ़िशेंसी डीजेनरेटिव एलर्जिक डिजीज़ कैंसर मेंटल और एडिक्शन ये डिज़ीज़ यह डिज़ीज़ किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन तक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और कॉजिंग एजेंट से किसी भी तरीके से ट्रांसमिट नहीं होती अब हम इन डिज़ीज़ के बारे में डिटेल से देखेंगे सबसे फर्स्ट है इसमें कॉम्युनिकेबल डिज़ीज़ कम्युनिकेबल डिज़ीज़ मेनली पैथोजन की वजह से कॉज होती है पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट की बॉडी में एंटर हो जाता है और उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाती और ऑर्गेनिज्म में डिजीज हो जाती है कॉम्युनिकेबल डिजीज़ एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसमिटेड हो सकती है कम्युनिकेबल डिजीज़ में सबसे पहले हम वो डिज़ीज़ देखेंगे जो वायरस की वजह से कॉस्ट होती है जहाँ जिन्हें हम वायरल डिजीज भी बोल देते हैं इसमें वायरल डिजीज़ में सबसे फर्स्ट डिजीज़ हम देखेंगे पोलियो पोलियो का पैथोजन देख लेते हैं वायरस या पोलियो वायरस इस पैथोजन की वजह से पोलियो डिजीज़ होती है पैथोजन के बाद आता है इनक्यूबेशन पीरियड इनक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें इन्फेक्शन के बाद फर्स्ट साइन और सिम्टम डिजीज़ का शो हो जाता है तो पोलियो का इनक्यूबेशन पीरियड होता है सेवन टू फोर्टीन स्टेज नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स कि किन साइंस और सिम्टम्स से हमें इस डिज़ीज़ का पता चलता है तो पोलियो के साइंस एंड सिम्टम्स हैं सबसे फर्स्ट है नर्वस सिस्टम में इन्फ्लेमेशन नेक में स्टिफनेस फीवर के साथ पैरालिस स्टार्ट होना हेड और ऑल ओवर बॉडी में पेन का होना ये सब साइंस हैं पोलियो के साइंस एंड सिम्टम के बाद है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट प्रिवेंशन में देखेंगे कि इस डिज़ीज़ को होने से कैसे रोका जा सकता है और ट्रीटमेंट में आएगा कि कौन सी वैक्सीन से इस डिज़ीज़ को ट्रीट किया जा सकता है प्रिवेंशन में सबसे फर्स्ट आएगा कि जो पेशेंट है उसके फीसस और यूरिन का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए क्योंकि इनमें वायरस होता है जो आगे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसमिट हो सकता है विद दी हेल्प ऑफ वेक्टर्स और एजेंट्स नेक्स्ट आएगा कि पेशेंट को क्राउडिंग अवॉइड करनी चाहिए ट्रीटमेंट में पोलियो वैक्सीन सेफ और इफ़ेक्टिव है सबसे पहले जॉन सॉल्क ने 1953 में पोलियो की वैक्सीन को प्रिपेयर किया था इन्होंने किर्ड वायरस को सॉल्क वैक्सीन बोला और इन्हें इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए इस सॉल्क वैक्सीन को इंजेक्ट करते थे ऑर्गेनिज़म्स में जॉन सॉल्क को फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन भी बोला जाता है सेबेन इट ऑल ने औरल वैक्सीन को प्रिपेयर किया था जिसको ओ पी वी मीन्स औरल पोलियो वैक्सीन भी बोला जाता है नेक्स्ट वायरल डिज़ीज़ है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का पैथोजन आ जाएगा चिकनगुनिया वायरस इस वायरस को सबसे पहले 1952 में एक ह्यूमन पेशेंट से आइसोलेट किया गया था अभी तक इस डिज़ीज़ की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है पैथोजन के बाद आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे फर्स्ट सिम्टम आएगा कि सडनली फीवर का हो जाना जॉइंट्स में पेन होना लिम्फोडिनोपैथी जिसमें कि लिम्स अटैक हो जाएंगे और कंजेक्टिविटीज ये सब सिम्टम्स हैं चिकुनगुनिया के कभी कभी इस डिज़ीज़ की वजह से हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है मेनली इसमें जो फीवर होता है वो बाईफेजिक होता है और चिकनगुनिया को इंडिया में ही रिपोर्टेड किया गया था इस डिज़ीज़ का इनक्यूबेशन पीरियड मेनली थ्री टू तो सिक्स डेज होता है नेक्स्ट आ जाएगा प्रिवेंशन प्रिवेंशन में मॉस्किटो और उनके एग्स को एलिमिनेट करना आ जाएगा इसके बाद आता है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में फीवर को रिड्यूस करने के लिए पैरासीटामोल पेन रिलीफ के लिए एनजेस्टिक और जॉइंट पेन के लिए एस्पिरिन जैसी ड्रग्स को भी दिया जाता है बेड रेस्ट और फ्लूड के इनटेक को भी इस डिजीज़ में रिकमेंडेंट किया जाता है नेक्स्ट वायरल डिजीज़ है डेंगू फीवर जिसको बोन फीवर भी बोला जाता है ये फीवर फ्लेवी राइबो वायरस पैथोजन की वजह से कॉज होता है नेक्स्ट आएगा मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन कि कैसे ये वायरस एक इन्फेक्टि पर्सन से हेल्थी पर्सन तक ट्रांसमिट होता है तो ये एडस एजिप्टी मैस्किटो की बाइट से एक इन्फेक्टिव पर्सन से एक हेल्थी पर्सन तक ट्रांसमिट होता है एडस मैस्किटो मेनली क्लीन वाटर में ब्रीड करते हैं और सिर्फ डे टाइम में ही बाइट करते हैं नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड मेनली थ्री टू एट डेज होता है इंक्यूबेशन पीरियड के बाद है टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर मेनली ये दो टाइप का होता है क्लासिकल डेंगू फीवर एंड डेंगू हैमर हैजेक टाइप्स के बाद है सिम्टम्स सिम्टम्स में आएगा सडनली हाई फीवर का होना फोरहेड में फ्रंटल हेडेक होना आइज़ के बिहाइंड पेन होना जिसकी वजह से आई की मूवमेंट नॉर्मल नहीं हो पाती मसल्स और जॉइंट पेंस होना और बॉडी पर रैशेज होने नोस, माउथ गम्स और स्किन से ब्लीडिंग होना कंटिन्यूस स्टमक पेन और वॉमिटिंग होना ये सब सिम्टम्स होते हैं डेंगू फीवर के सिम्टम्स के बाद है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट प्रिवेंशन में आ जाएगा कि मस्किटो एंड उनके एग्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए पूरी तरह से और ऐसे क्लोथ्स वियर करने चाहिए जिससे पूरी बॉडी कवर हो जाए जिससे कि मैस्कटो वाइट ना कर पाए इसके बाद है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में कोई स्पेसिफिक थेरेपी अवेलेबल नहीं है सिम्टेमेटिक केयर में बेड रेस्ट फ्लूड का इनटेक और एनर्जेसिक मेडिसन्स को रिकमेंडेंट किया जाता है इसमें एस्पिरिन और डिस्पिरन जैसी टेबलेट्स नहीं लेनी चाहिए और फीवर के लिए यू बी ई टेबलेट या सिरप यूज़ करनी चाहिए नेक्स्ट वायरल डिज़ीज़ है कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड में राइनोवायरस पैथोजन की वजह से ये डिज़ीज़ कॉज होती है ये वायरस नोज़ और रेस्पिरेटरी पासिस को अटैक करता है लेकिन लंग्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता इसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आएगा कि जैसे ही कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है तो उसकी जो इन्फेक्शन की ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में चली गई और ऑब्जेक्ट्स में लग गई तो जैसे ही हेल्थी पर्सन उस ड्रॉपलेट्स को इनहेल करेगा जहाँ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्ट में आएगा जिस पर इन्फेक्शन की ड्रॉपलेट्स हैं तो ये वायरस उस हेल्थी पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाएगा नेक्स्ट है इनक्यूबेशन पीरियड इनक्यूबेशन पीरियड मेनली थ्री टू सेवन डेज का होता है साइंस एंड सिम्टम्स हैं इसके कि कॉमन कोल्ड में नेसल कॉन्जैशंस हो जाती है नेसल्स में एक्सेसिव सिक्रीशन होती है गले में खारिश कफ और हेडेक ये सब कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं इसके बाद आता है ट्रीटमेंट इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है लेकिन एंटीहेस्टामाइन्स और डी कॉन्जेस्टेंट्स ड्रग्स को कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉमन कोल्ड के बाद नेक्स्ट वायरल डिज़ीज़ है इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी बोला जाता है यह डिज़ीज़ ऑर्थोमाइक्सो वायरस से कॉज होती है इसके साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स में सोरथ्रॉट हैड एक फीवर स्नीजिंग पूरी बॉडी में पेन और नेजल सेक्रीशन ये सिम्टम्स आ जाते हैं नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने से जो उसके इन्फेक्शन की ड्रॉपलेट्स होती हैं उनकी वजह से यह आगे ट्रांसमिट होता है इसके बाद है इनक्यूबेशन पीरियड इसका इनक्यूबेशन पीरियड मेनली वन टू फोर डेज होता है नेक्स्ट है ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंजा डिज़ीज़ के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अवेलेबल है इसके बाद नेक्स्ट डिजीज है स्मॉल पॉक्स जो कि वेरियोला वायरस पैथोजन से कॉज हुई थी अब यह डिज़ीज़ इरेडिकेटेड हो चुकी है और इसका लास्ट केस सोमालिया में अक्टूबर 1977 में फाउंड हुआ था नेक्स्ट इसके साइंस एंड सिम्टम्स साइंस एंड सिम्टम्स में हाई फीवर स्मॉल वेसिकल्स कंटेनिंग क्लियर फ्लूड ऑन द स्किन एंड स्कॉर्स लेफ्ट ये सब इसके साइंस एंड सिम्टम्स आ जाती हैं इसके बाद है मोड़ ऑफ इन्फेक्शन या मोड़ ऑफ ट्रांसमिशन इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट शामिल था इनक्यूबेशन पीरियड मेनली इंक्लूड ट्वेल्व डेज इसके बाद है ट्रीटमेंट स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को 1798 एट में एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर्ड किया था स्मॉल पॉक्स के बाद है चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स वेरीसेला जोस्टर वायरस पैथोजन से कॉस होता है इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि इसमें माइल्ड फीवर होता है रैशेस एक्स और इसमें कोई भी मार्क जाँस कार लेफ्ट नहीं रहता मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही आता है इंक्यूबेशन पीरियड मेनली 14 टू 21 डेज का होता है वैक्सीन या ट्रीटमेंट में इसकी वैक्सीन आएगी वेरिसला वैक्सीन इसके बाद नेक्स्ट है मम्प्स जिसको इन्फेक्शियस पैरोटिडीज भी बोला जाता है इसका पैथोजन है पैरामाइक्सो वायरस नेक्स्ट देखते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स इसके साइंस एंड सिम्टम्स में आ जाएगा कि पैरोटीट मीनस की सलाइवरी ग्लैंड्स में पेनफुल स्वेलिंग का हो जाना दोनों साइड्स पर इसमें भी मोड ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही आ जाएगा और इनक्यूबेशन पीरियड मेनली सिक्सटीन टू एटीन डेज़ का आ जाएगा ट्रीटमेंट में इसमें एम एम आर वैक्सीन अवेलेबल है नेक्स्ट है मिसर्स जिसको र्यूबियोला भी बोला जाता है इसका पैथोजन आ जाएगा र्यूबियोला वायरस इसके साइंस एंड सिम्टम्स में आएगा कि रेडिश रैश अपीयर्स हो जाएंगे जो कि पूरी बॉडी में स्प्रीड हो जाएंगे इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होगा और इनक्यूबेशन पीरियड मेनली टेन डेज़ का होगा इसके लिए भी एम वैक्सीन को ही यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए नेक्स्ट डिज़ीज़ है रूबेला जिसको कि जर्मन मिसल्स डिज़ीज़ भी बोला जाता है यह डिज़ीज़ रूबेला वायरस पैथोजन से कॉस होती है इसके बाद आते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स जिसमें कि फेस के ऊपर ब्राइट रेड रैशेस हो जाएंगे जो कि बाद में पूरी बॉडी पर स्प्रीड आउट हो जाएंगे इसमें आर्थराइटस और रैशर्स फेंटर हो जाएंगे मिसर से नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन इसमें भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है जिसमें कि वायरस नेज़ोफेरेंग से होस्ट में एंटर करेगा इनक्यूबेशन पीरियड मेनली 12 टू 23 डेज का होता है इसके लिए जो वैक्सीन है वो एमएमआर वैक्सीन ही यूज़ की जाती है लेकिन वो प्रेग्नेंट वीमेन को नहीं दी जाती रूबेला के बाद नेक्स्ट है येलो फीवर जो कि फ्लेवी वायरस पैथोजन की वजह से कॉज होता है नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स सिम्टम्स में इसमें सडनली हाई फीवर हो जाएगा जॉइंट्स में पेन होना चिरनेस स्किन मेनली येलो हो जाएगी जैसा कि डिजीज़ का नेम है येलो फीवर जिसकी वजह से स्किन का कलर येलो हो जाएगा वॉमिटिंग होनी और यूरिन में एल्ब्यूमिन का कंटेंट हाई होगा इसके बाद है मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें भी एडस एजिप्टी मेस्किटो के बाइट से ही इन्फेक्शन आगे ट्रांसमिट होता है येलो फीवर का इनक्यूबेशन पीरियड थ्री टू फोर डेज का होता है इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है नेक्स्ट डिजीज़ है एस ए आर एस जिसका कि फुल नेम है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यह डिज़ीज़ एस ए आर एस वायरस पैथोजन की वजह से कॉस होती है इसके सिम्टम्स आ जाएंगे हाई फीवर चिल्स हेडेक, डिजीनेस सोर थ्रोट का होना रनिंग नोस वॉमिटिंग डायरिया और ब्रीथिंग में ट्रबल होना ये सब सिम्टम्स हैं एस ए आर एस डिजीज़ के नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक इन्फेक्ट पर्सन से इन्फेक्शन है जो वो उसकी माउथ नोस और थ्रोट की सेक्रीशन से ही आगे ट्रांसमिट होता है इसमें इंक्यूबेशन पीरियड मेनली टू टू सेवन डेज का होता है नेक्स्ट आएगा ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में मोस्टली जो एस ए आर एस है इसको पी सी आर मीन्स की पॉलीमरेस चेन रिएक्शन टेस्ट से ही डाइग्नोज किया जाता है एस ए आर एस के बाद नेक्स्ट डिजीज़ है स्वाइन इन्फ्लुएंजा जिसे कि स्वाइन फ्लू भी बोला जाता है यह डिज़ीज़ ट्रिपल रीअसोट फ्लू वायरस जिसे ए एच वन एन वन भी बोला जाता है इस वायरस पैथोजन की वजह से कॉज होती है ह्यूमंस में इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स हैं फीवर कफ सोथ्रॉट बॉडी में पेन चिल्स और फैटिक का होना इसमें जो इन्फेक्शंस होंगे वो स्वाइन्स की फॉर्म में होंगे मींस कि ओल्ड पिक के यूज से यह डिज़ीज़ आगे ट्रांसमिट होती है नेक्स्ट आएगा ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में इंडिजीनियस एच वन एन वन वैक्सीन को यूज़ किया जाता है इसके बाद नेक्स्ट डिज़ीज़ है जेनिटल हर्ब्स जो कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस पैथोजन की वजह से कॉज होती है नेक्स्ट इसके सिम्टम्स देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटल में अल्सर्स का होना पेरिएंटल रीजन में भी अल्सर्स का होना फीवर हेडेक पेन इचिंग वेजिनल और यूरेथ्रल डिस्चार्ज होना और इस डिज़ीज़ को पीसीआर से डायग्नोज किया जा सकता है मोड ऑफ इन्फेक्शन है इस डिज़ीज़ का वो आएगा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इसका इंक्यूबेशन पीरियड इंक्लूड टू टू सेवन डेज इसके लिए एच एस वी फाइव टू नाइन वैक्सीन को यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए नेक्स्ट डिजीज़ है जेनिटल वॉट्स जेनिटल वॉट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसे एच वायरस भी बोलते हैं इस वायरस पैथोजन की वजह से कॉज होती है ये भी एस डिजीज़ ही होती है इसके सिम्टम्स में मेनली व्स आ जाते हैं जिसमें कि स्किन के एक्सटर्नल जेनिटल और पेरियनल एरिया में हॉर्नी आउटग्रोथ हो जाती है मोड ऑफ इन्फेक्शन में सेक्सुअल इंटरकोर्स आता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए एच पी वी वैक्सीन को यूज़ किया जाता है नेक्स्ट वायरल डिजीज़ है एड्स एड्स सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब इसकी फुल फॉर्म देखते हैं एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशेंसी सिंड्रोम अब देखते हैं कि एड्स होता क्या है एड्स बॉडी के इम्यून सिस्टम का सेल मेडिएटर डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हेल्पर टी सेल्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है मींस की हेल्पर टी सेल्स का नंबर कम हो जाता है जो कि एंटीबॉडीज़ को बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती हैं हेल्पर टी सेल का नंबर डिक्रीज होने की वजह से जो बॉडी का नेचुरल डिफेंस होता है वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो ख़त्म हो जाता है या लॉस हो जाता है नेक्स्ट है डिस्कवरी एड्स को सबसे फर्स्ट 1981 में यूएसए में होमोसेक्सुअल में डिस्कवर किया गया था या नोटिस किया गया था रॉबर्ट गैलो और उनके एसोसिएट्स ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यूएसए में फर्स्ट ह्यूमन रेट्रोवायरस को डिस्कवर किया था उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि लेट 1970s में ह्यूमन टी सेल्स लिम्फोटेरिक वायरस टाइप वन जिसे एच बोला गया था वो वायरस ल्यूकेमिया मींस ब्लड कैंसर कॉज कर रहा था एड्स वायरस को प्रोफेसर ल्यूक मंटेगिनर और उनके कोलीग्स ने पेरिस में 1983 में डिस्कवर किया था और उन्होंने इसे लिम्फेडन ओपैथी एसोसिएटेड वायरस का नाम दिया इंडिया में 1986 में चेन्नई और तमिलनाडु में सबसे फर्स्ट टाइम एड्स को डिटेक्ट किया गया था इसके बाद एड्स वायरस को 1986 में इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन वायरल नॉमिनक्लेचर ने ऑफिशियल नेम दिया एच जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस इसके बाद फ्रेंकोसी बैरी सिनोसी और लियो मांटैगिनर को उनकी डिस्कवरी के लिए कि एच आई वायरस से एड्स कोस होता है 2008 में नोबल प्राइज़ फ़ॉर फ़िज़ियोलॉजी और मेडिसिन अवार्ड से अवॉर्ड किया गया 1986 में अफ्रीका में जो एड्स वायरस है वो मंकी हॉस्ट से ह्यूमन्स पॉपुलेशन में पास्ट हो गया इसीलिए साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड एड्स कैपिटल के नाम से भी कंसिडर्ड किया गया है डिस्कवरी के बाद नेक्स्ट है पैथोजन पैथोजन मींस पॉजिटिव एजेंट सबसे फर्स्ट वायरस को जब आइडेंटिफाइड किया गया तो अमेरिकन्स ने इस वायरस को ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थ्री का नाम दिया इसके बाद इस वायरस का नाम चेंज करके इसे एच आई वी मीनस ह्यूमन वायरस का नाम दिया गया एच आई वी एक रेट्रो वायरस है जो हेल्पर टी सेल्स को अटैक करता है और नेचुरल डिफेंस मकैनिज़म को लॉस करता है नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एच आई वी वायरस एक स्फेरिकल वायरस होता है जिसका डायमीटर 90 टू वन ट्वेंटी नैनोमीटर होता है इसके जिनोम में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है और इसमें एच एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम इस वायरस का एनवलप लिपिड की बाईलेयर से बना हुआ होता है जो कि होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से डिराइव होती है और इसमें नो स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स भी बोला जाता है इसमें टू प्रोटीन कोड्स प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट है मोड ऑफ इन्फेक्शन मोड ऑफ इन्फेक्शन में सबसे फर्स्ट स्टेप है बाइंडिंग जिसमें कि वायरस सी डी फोर मीन्स की हेल्पर टी सेल के साथ अटैच हो जाता है और इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है इसके बाद वायरल आर एन ए सेल के अंदर एंटर होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से रिवर्स ट्रांसक्रपट एंजाइम की हेल्प से आर एन ए से डी एन ए की सिंथेसिस कर देता है इसके बाद वायरल डी एन ए जाकर होस्ट के जीनोम में जाता है और वहाँ पर उसकी मशीनरी पर टेक ओवर करता है और वायरल एमआरएनए की सिंथेसिस कर देता है एमआरएनए की सिंथेसिस के बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें वायरल प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो जाती है और आरएनए जीनोम की फॉर्मेशन हो जाती है इसके बाद असेंबली होती है और जो वायरस पार्टिकल है वो सेल के आउटसाइड आ जाते हैं और मैच्योरेशन के बाद आगे जाकर वो नेक्स्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं ऑफ इन्फेक्शन के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसमिशन के बारे में एच वायरस या फिर एड्स के वायरस ब्लड और सीमन के थ्रू ट्रांसमिटेड होता है अब देखते हैं कि यह ट्रांसमिट कैसे होता है इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट को यूज़ करने से भी होता है कॉन्टेमिनेटेड नीडल का यूज़ किया जाता है जब ड्रग्स और वैक्सीन देने के लिए तब भी ट्रांसमिशन होती है कॉन्टेमिनेटेड रेजर और नीडल के यूज़ से ट्रांसमिशन होती है और जब इन्फेक्टेड पर्सन के साथ या इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ विदाउट कॉन्डम सेक्शुअल इंटरकोर्स किया जाता है तब भी ट्रांसमिशन होती है सीमन के थ्रू इन्फेक्ट मदर से चाइल्ड तक प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिशन होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं और जब इन्फेक्टेड पर्सन के ऑर्गन को हेल्थी पर्सन के ऑर्गन में ट्रांसप्लांट किया जाता है तब भी ट्रांसमिशन हो जाती है इंसेक्ट बाइट क्राउडर ट्रांसपोर्ट शेकिंग हैंड्स शेयरिंग टॉल्स कफिंग स्नीजिंग और यूटिलिटीज़ को शेयर करने से एड्स को ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता या एड्स ट्रांसमिटेड नहीं होता इनक्यूबेशन पीरियड एड्स का इनक्यूबेशन पीरियड सिक्स मंथ से टेन इयर्स तक हो सकता है नेक्स्ट है सिम्टम्स एच आई इन्फेक्शन के सिम्टम्स में फीवर लिथर्जी, फेरनगेटिस नोसिया हेडेक रैशस ये सब आ जाती हैं नेक्स्ट है डायग्नोसिस एड्स को एलिजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट से डायग्नोसिस किया जा सकता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट को एलिजा टेस्ट के पॉजिटिव केस की कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एड्स का अभी तक कोई क्योर नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि एड्स के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं जिडोविडाइन और ए जैसे कि एजिडोथाइमाइन ये फर्स्ट ड्रग्स ऐसी हैं जिसको कि एड्स के ट्रीटमेंट में एक चॉइस ड्रग के तौर पर यूज़ किया जाता है डाइनोसाइनस को भी एड्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट है प्रिवेंशन एड्स वायरस के अगेंस्ट अभी तक कोई भी वैक्सीन प्रिपेयर नहीं हो पाई है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करके एड्स को ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट किया जा सकता है जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है कि पीपल्स को एड्स के बारे में एजुकेशन होनी चाहिए हर साल एक दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है यह एक ऐसा मेथड है जिसमें कि लोगों को एड्स के बारे में एजुकेट किया जाता है ब्लड डोनर सीमन स्टोनर और ऑर्गन डोनर्स, प्रेग्नेंट वीमेंस इन सभी के ब्लड टेस्ट होने चाहिए ताकि जो एड्स है या जो एच वायरस है वो आगे ट्रांसमिट ना हो सेक्शुअल रिलेशनशिप मोनोगेमस होने चाहिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड एन जी मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ये सभी लोगों को एड्स के बारे में एजुकेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसके बाद आता है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जिनको ए आर सी बोला जाता है यह एड्स की माइल्ड फॉर्म होती है इसके सिम्टम्स होते हैं लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाना फीवर होना नाइट में स्वेटिंग और वेट का लॉस हो जाना वो पेशेंट्स जिनको ए आर सी होता है उनमें हाई पॉसिबिलिटी होती है कि आगे चलकर उनको एड्स हो सकता है ए को प्रोड्रोमल एड्स भी बोला जाता है जिसका मीनिंग होता है सिम्टम्स बिफोर एड्स